सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल टॉप न्यूज नेटवर्क्स, बेल बटन दबाएं और नोटिफिकेशंस पाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप न्यूज नेटवर्क्स और मैं हूं आपके साथ हिमाली भट्ट। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल एक दूसरे पर हमले के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, लेकिन किसी से एक भी गलती हो जाए तो उसे प्रमुखता उठाता है। कुछ ऐसा ही सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ हुआ, जब उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट में गलत राज्य नाम लिख दिया। दरअसल एक सैनिक स्कूल की स्थापना के 50 साल बाद लड़कियों के लिए दरवाजे खोल दिए जाने की खबर को साझा करते हुए राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में मिजोरम की जगह मणिपुर लिख दिया। राहुल ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा, अगर मौका मिले तो ऐसा कुछ भी नहीं जो लड़कियां नहीं कर सकती। मणिपुर के सैनिक स्कूल में ये लड़कियां इसका प्रमाण है। इन बहादुर प्रेरित बच्चों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप भारत का भविष्य हैं, हमें आप पर गर्व है। जबकि राहुल जिस सैनिक स्कूल की बात कर रहे हैं वो मिजोरम नहीं मणिपुर में है। हालांकि राहुल ने अपनी गलती में सुधार किया। राहुल गांधी ने मिजोरम के एक लेख में साझा किया है और उन्होंने मणिपुर लिखा है। पूर्वांचल के बारे में उनकी अज्ञानता बड़ी समस्या है। मालवीय यही नहीं रुके, उन्होंने ट्वीट में फिर लिखा, राहुल गांधी जाइए और 100 बार लिखिए कि मिजोरम और मणिपुर पूर्वांचल भारत के दो अलग अलग राज्य हैं और कांग्रेस अध्यक्ष के अपने बाकी कार्यकाल में मैं इसे याद रखूंगा, ये भी जरूर लिखेगा। आपको बताते हैं, राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। बीजेपी ने राहुल के मंदिर दर्शन पर भी कई सवाल खड़े किए। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल पर तीखा हमला बोलते हुए उनके गोत्र के बारे में पूछा है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की एक और रैली में राहुल गांधी ने एक बार फिर गलती कर दी, जब उन्होंने कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे का नाम पनामा पेपर्स में है। राहुल की इस गलत बयानी पर मुख्यमंत्री शिवराज ने उन पर मानहानि का मुकदमा की चेतावनी दे डाली, जिसके बाद अपनी गलती का अंदाजा होने के पर राहुल ने सफाई दी कि मध्य प्रदेश और बीजेपी शासित राज्यों में इतने घोटाले हुए हैं कि वह कंफ्यूज हो गए थे। अपनी सफाई में उन्होंने कहा कि पनामा पेपर्स लीक मामले में शिवराज सिंह के बेटे नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे का नाम शामिल है। शिवराज सिंह का नाम तो व्यापम घोटाले में है। ऐसी और वीडियोज के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टॉप न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।